बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आज मैं आपके साथ परफेक्ट चिकन ड्रम स्टिक बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके सबसे पहले फ़ोर टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे उसमें दो लार्ज साइज़ के ऑनियन को हमें फ़्राई कर लेना है प्याज को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बन पाए हमारा और ज़्यादा प्याज को जो है वो कच्ची नहीं छोड़ना है वरना ये इसको जब हम हाथों से क्रश करेंगे तो वो बराबर से क्रश नहीं होती है तो इस तरीके से करते हुए दो से चार मिनट में हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी तो अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है तो बस इसी तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से ऑयल में ये प्याज़ जो है वो डूबी रहे और चारों तरफ से अच्छे से इस पर ब्राउन कलर आ जाए तो अभी आप देख सकते हैं एक से दो मिनट हो चुके हैं और हम इसको अच्छे से मिक्स चला रहे हैं ताकि प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा सुनहरा कलर आ, इस पर आ चुका है तो अब हम प्याज को निकाल के रख देंगे साइड में अब पानी को गर्म कर लेंगे हम इसमें हमने दो ले लिए हरी इलायची दो ले लिए फूल काली मिर्च ले लेंगे लौंग ले लेंगे एक जावित्री का टुकड़ा लेंगे और थोड़ा सा लेंगे हम इसमें नमक और तेज़ पत्ते भी इसमें दो ऐड कर देंगे दालचीनी के स्टिक्स भी ऐड करेंगे इससे खुशबू जो है वो अच्छी आती है अब यहाँ पर हमने एक घंटा पहले जो है चावल को भिगो कर रख दिया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल जो है वो मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस ताकि चावल जो है अच्छे खिले खिले बने बीच में से चिपके ना चावल तो इस तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे और चार से पाँच मिनट में चावल जो है हमारे अच्छे से एट्टी परसेंट तक कुक हो जाएंगे तो बस आप देख सकते हैं चावल जो है वो एकदम अच्छे से फूल चुके हैं एट्टी परसेंट तक बस इसको हमें पका लेना है बीस परसेंट इसमें बाकी रहना चाहिए तो बस चावल को भी हम अभी निथार लेंगे इसका पानी और साइड में रख देंगे अब जिस बर्तन में हमने ऑनियन को फ्राई किया था उसी बर्तन में हम ऐड करेंगे चिकन के ड्रम स्टिक्स साथ ही ऐड करेंगे हम दो टमाटर और पांच हरी मिर्च अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाजवाब बॉम्बे बिरयानी का मसाला आप बिना मसाले के भी बना सकते हैं नॉर्मल आप हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर का यूज़ करके ये मसाला डालेंगे तो टेस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है अब जो हमने ऑनियन को फ़्राई करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे आधा अभी ऐड आध करेंगे आधा बाद में ऐड करेंगे चार टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दही थोड़ी सी कोतमीर ऐड करेंगे तीन हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे अब नमक ऐड करेंगे एक टी और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बिरयानी जो है बिल्कुल फ़ोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है इसमें हमें बिल्कुल भी हम अभी चिकन को बिल्कुल पका नहीं रहे हैं अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते जिसको हमने हाथों से ही तोड़ के ऐड कर लिया है जिससे इसका फ़्लेवर जो है अच्छे से बढ़ जाता है और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हमने चालू नहीं किया है क्योंकि हम इसको इसी तरीके से पकाने वाले हैं तो बस इसको मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए बस और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एक घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर उबले हुए जो चावल हैं हमारे वो ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे से तह लगा दूँगी मैं चावलों को हर तरफ़ से अच्छे से इवनली फैला देंगे ताकि चिकन जो है वो नीचे का अच्छे से छुप जाए तो अच्छे से हम चावल बिछा देंगे तो देख सकते हैं अच्छे से हमारे चावल जो है बीच गए हैं अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑरेंज फूड कलर अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऊपर से ग्रीन फूड कलर ताकि इसका जो है अच्छे से अच्छे दिखे बिरयानी इसलिए हम कलर का यूज़ करते हैं अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अब उसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे फ्राई प्याज जो कि हमने थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी तो अभी हम इसमें यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना हम इस ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे और बस इसको हम रख देंगे दस मिनट के लिए फुल फ्लेम पर ढक के और दस मिनट के बाद हम गैस की फ़्लेम को कर देंगे लो बीस से पच्चीस मिनट के लिए और ये हमारी बिरयानी जो है बनकर रेडी हो चुकी है और चिकन जो है बिल्कुल दम में पकता है हमें बिल्कुल पहले पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं तो ये है परफेक्ट तरीका जल्दी और फटाफट से बिरयानी बनाने का तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़